नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी मुख्य द्वार पर लाल कपड़े से बांध कर लटका दे ये चीज, धन दौलत के संग आ जाएगी माँ लक्ष्मी। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका प्रयोग करने से घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है, घर परिवार में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। वही फेंगशुई के टोटके भी सटीक और धन लाभ कराने में कारगर साबित होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में। घर के मुख्य दरवाजे में लाल रिबन से बंधे हुए फेंगशुई के 3 सिक्के लटकाने चाहिए, इससे घर में धन और समृद्धि आती है। ध्यान रखें कि केवल 3 सिक्के ही लटकाने चाहिए और वह भी दरवाजे के अंदर की ओर। बाहर की ओर सिक्के लगाने से लक्ष्मी द्वार पर ही ठहर जाती है। सिक्के हमेशा मुख्य दरवाजे पर ही लगाना चाहिए। फेंगशुई में कछुए को भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर में रखने से कामयाबी के साथ ही पैसा और खुशहाली भी मिलती है। ध्यान रखें कि कछुए को ऑफिस या घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। कछुए को रखते समय उसका चेहरा अंदर की ओर होना चाहिए। कछुए को कभी भी जोड़े में नहीं रखना चाहिए। फेंगशुई के अनुसार घर में गोल्डन फिश रखने से सौभाग्य, धन, मान सम्मान बढ़ता है। इन मछलियों को अपने ड्राइंग रूम में रखें। गोल्डन फिश को बेडरूम में, रसोई घर में या बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। फेंगशुई की विंड चाइम्स इन दिनों सर्वाधिक चलन में है। दरअसल विंड चाइम या पवन घंटी से जो मधुर स्वर निकलते हैं वह पूरे घर में फेंगशुई के अनुसार ची नामक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इस ऊर्जा से घर में सुख बढ़ता है। ध्यान रखें कि विंड चाइम्स को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां हवा के प्रवाह से ये बचती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।